अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप लोगों को पता है जैसे कि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा पकने वाली सब्ज़ी है वो है साग। और साग हर घर में बनता है और जो दो दो तीन तीन दिन तक खाया जाता है और बहुत ही मज़े का होता है साग। और किस किस को पसंद है मुझे भी बताना। तो हमने भी सर्दियां स्टार्ट हुई तो साग लिया आज और फर्स्ट टाइम आज बनाएंगे साग। तो इधर अम्मी बना रही थी साग और जोहान जो मतलब उसका हमने गन निकाला, उसकी साफ़ किया तो उसको मतलब उसके साथ ऐसे खेल रहा था। इसे मना भी कर रहे थे कि ऐसे नहीं करो पर बच्चा है तो वो इसी तरीके से कर ही जा रहा था। खैर अम्मी इसी तरह साग बनाती हैं और इसी तरह काटती हैं। वो कहती हैं कि इस तरह बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है साग और रियल में बहुत ज़्यादा मज़े का बना था साग। और वैसे भी अम्मी बहुत मज़े का बनाती है साग। वेदर हो रही थी सफाइयाँ, जैसा कि सबको पता है कि वेदर हो रहा है चेंज और उससे पहले पहले सबकी यही कोशिश होती है कि सफाई कर ली जाए, क्योंकि जब सर्दियाँ आने वाली होती है उससे पहले भी एक दफ़ा अच्छी तरीके से हर चीज़ का ऑपरेट होता है, मतलब डीप क्लीनिंग होती है। और वैसे भी वीक में एक दफ़ा तो डीप क्लीनिंग होती ही है। और इधर किए जा रहे थे पंखे साफ और सब चीज़ों के कवर उतारे हुए थे, क्योंकि सब आज मशीन भी लगाई हुई थी और साथ साथ मशीन भी चल में कपड़े भी वॉश कर रहे थे और ये सफाइयाँ वगैरह भी हो रही थी। और वैसे भी आजकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ है और ये किसी भी ड्रॉप से किसी भी मेडिसिन से नहीं जा रहा, ये अपने टाइम पे जाता है, मतलब दो तीन दिन तक अपना असर रखता है और जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। खैर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। हम जा रहे थे बाज़ार क्योंकि अब मेरे जाने की तैयारियां हो रही हैं और शॉपिंग हो गई थी स्टार्ट, क्योंकि मेरी शॉपिंग इतनी जल्दी होने वाली नहीं। कभी कोई चीज़ मुझे याद आती है कभी कोई, तो मैं अपनी शॉपिंग करने लगी हूँ कंप्लीट ताकि मैं जल्दी से जा सकूँ। फिर मैं आई थी अपने फ्रेंड के पास और माशाल्लाह से उसके पास कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और वैसे भी वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं। हम देख रहे थे गुड़िया के लिए कुछ फ्रॉक वगैरह के, उसके लिए फ्रॉक, वैसे मैंने उसके ड्रेस और भी बहुत ज़्यादा स्टिच करवाए हैं और मैं उसके मैंने सोचा और भी एक दो ड्रेस ले लूं और आगे से भी मुझे लगता है मेरे गले में कोई मसला है, क्योंकि मैं अपनी गई थी दोस्त की तरफ तो उन्होंने मुझे पिला दी कोल्ड ड्रिंक और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा कि अब मेरे गले में ना हल्की हल्की सी पेन हो रही है और जिसकी वजह से मुझे बोला भी नहीं जा रहा। खैर हम आए वक्त तो फिर हुमा ने बनाया हुआ था खाना, इधर हम खा रहे थे खाना, बहुत मज़े के राइस बने थे। और वैसे हमारे घर में राइस बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत मज़े के राइस थे, उनने वेजिटेबल वाले राइस बनाए हुए थे और साथ में आलू का सालन था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब थर्सडे का व्लॉग है। तो उस दिन मम्मा बना रही थी मूली वाले पराठे, ये भी एक सर्दियों की सौगात है, तो के मतलब मैं अभी अपने घर उधर गई नहीं हूँ, इधर ही मैंने साग भी खा लिया और मूली वाले पराठे भी खा लिए। और ये अब उसी दिन का व्लॉग है, मतलब थर्सडे वाले दिन का। इधर हम अगेन जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मेरी शॉपिंग रहती थी तो मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे
मतलब अम्मी की तरफ से ही फिर उन्होंने मुझे ड्रेस वगैरह दिलाए और एक सुहान का ड्रेस आ गया था छोटा, तो वो थोड़ा हमने चेंज करवाना था। एक ड्रेस हमने वो लिया और इधर मैं गुड़िया के लिए देखी थी कोई हेयर बैंड उसकी फ्रॉक के साथ मैच हो जाए, बट मुझे नहीं मिला था उसके साथ का। और इधर मैं अगेन फिर अपनी फ्रेंड के पास आई हूँ क्योंकि मुझे करवाने थे कपड़े स्टिच, तो इसलिए उनके पास मैं आ गई थी। आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह।